पॉपुलर डांस शो डांस दीवाने 3 के होस्ट राघव जुयाल नस्लवाद मुद्दे पर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने शो में असम से आई एक कंटेस्टेंट गुंजन सिन्हा को मंच पर बुलाने से पहले उनका इंट्रोडक्शन जिस अंदाज में किया उसने कंट्रोवर्सी को दावत दे दी है। अब खुद गुंजन के पिता रणधीर सिन्हा इस मामले में सामने आए हैं। उन्होंने राघव जुयाल का सपोर्ट किया है। पेशे से पुलिस रणधीर सिन्हा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए राघव की वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, मैं इस मामले पर रोशनी डाल सकता हूं क्योंकि मैं भी इस शो का हिस्सा था। मेरी बेटी ने यूट्यूब देखकर चाइनीज बोलना सीखा। जब उसे उसके टैलेंट के बारे में पूछा गया तब उसने कहा था कि वो चाइनीज बोल सकती है, तो उन्होंने डांस दीवाने शो की टीम ने उसे चाइनीज बोलने को कहा, इसीलिए उन्होंने इसे स्क्रिप्ट में डाला था। गुंजन के पिता ने राघव का समर्थन करते हुए कहा है कि चाइनीज भाषा बोलने का और नॉर्थ ईस्ट से होने का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर उनकी लाइंस में कुछ होता है तो मैं इस पर जरूर बोलता क्योंकि हम सब असम से हैं। गुंजन के पिता की ये बात राघव के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। बॉलीवुड की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ।